यूपी व उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर अब दोनों सूबे की पुलिस के आला अधिकारियों की चिंता बढ़ने लगी है। मोदी सरकार ने इस महामारी के चलते पूरे भारतवर्ष में 21 दिन का लॉकडाउन किया हुआ है। समय समय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से अपील करते चले आ रहे हैं कि वे अपने घरों में रहकर अपने आप व दूसरों को सुरक्षित रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, लेकिन जनता है कि बाहर जाने को तैयार नहीं है, उसे किसी बड़ी घटना का इंतजार है। जागरूक लोग आज भी लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस को मात्र मजाक मान रहे हैं। उनको इस सोच से ऊपर उभर कर आना होगा, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब ये महामारी विकराल रूप धारण कर लेगी। तब लोगों को समझ में आएगा कि कोरोना वायरस क्या है। आज इसी क्रम में उत्तराखंड व यूपी के बॉर्डर पर लगे बैंक की सिक्योरिटी करते हुए थाना टांडा के SI मदन पाल सिंह बैंक में आए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी दे रहे थे और लोगों से कह रहे थे कि वे आवश्यक कार्य से ही अपने घरों से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, समय समय पर अपने घर में हाथ धोते रहें, सैनिटाइज का प्रयोग करें, पका हुआ ही खाना खाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। पुलिस तो हमेशा ही लोगों को जागरूक करती चली आ रही है, लेकिन अफसोस जनता किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? जी, ये जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो दिए गए जनधन खातों में पैसे हैं, उसमें आपको कैसी सुविधा लगी, क्या अच्छा लगा, क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? मतलब यह है कि परेशान तो मतलब यह है कि पब्लिक को सबको ही है, क्या मतलब हमें पता चला है पैसे आए तो हम आए यहाँ पर लेने और मिलेंगे तो अच्छा ही है, परेशानी थोड़ी दूर हो जाएगी। और जय सर, ये उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर है, तो सर इसमें आपने क्या सुविधा कर रखी है? सर यूपी वालों को उत्तराखंड में घुसने दिया जा रहा है, ये सील कर रखा है, क्या है सर कोरोना वायरस को लेकर सर ये जो आप कर रहे हैं? देखिए, ये प्रत्येक जिले प्रत्येक अपने अपने स्टेट में जो है अपनी अपने बॉर्डर सील कर रखे हैं और कुछ पासिस बने हैं, पासिस के थ्रू ही उन लोगों को जाने दिया जा रहा है, अन्यथा उत्तराखंड वाले भी और हम यूपी वाले भी सभी जो है पूर्ण रूप से अपने अपने बॉर्डरों को सील किए हैं, किसी को अनर्गल न जाने दिया जा रहा है न घूमने दिया जा रहा है, सभी को हिदायत दी जा रही है अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। देखिए, जो प्रधानमंत्री द्वारा जो अकाउंट में लोगों का पैसा आ रहा है, यहाँ इनकी जान सलामती के लिए और इनकी सिक्योरिटी के लिए हर उपाय किया जा रहा है, इनको सैनिटाइजर भी किया जा रहा है और इनको बताया जा रहा है कि हाँ प्रत्येक आदमी अपना 1-1 मीटर का डिस्टेंस रखे, क्योंकि ये बीमारी कुछ इस तरह की है कि एक दूसरे के छूने से एक दूसरे में चली जाती है, इसलिए सबको सुरक्षा की दृष्टि से इनको डिस्टेंस भी रखा जा रहा है, उसके लिए घेरे भी बनाए गए हैं और बार बार इनको इसके इसी चीज़ के लिए गाइड किया जा रहा है।